उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के चर्चित लव जिहाद मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में पुलिस ने पिंकी नाम की लड़की का धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में उसके पति राशिद और जेठ सलीम को मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया था। लेकिन अब मुरादाबाद की CJM अदालत ने पिंकी के बयान के बाद उसे बालिग मानते हुए उसके पति राशिद के साथ रहने की इजाजत दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद पिंकी नारी निकेतन से अपनी ससुराल कांठ आ चुकी है। पिंकी ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के नेताओं ने उसका उत्पीड़न किया और जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने गलत इंजेक्शन लगाकर जबरन उसका गर्भपात करवा दिया। पिंकी ने सरकार और जिला प्रशासन से अपने पति और जेठ की जल्द रिहाई की मांग की है। यूपी के बिजनौर की रहने वाली पिंकी की उम्र 22 साल है। उन्होंने 5 महीने पहले मुरादाबाद के कांठ तहसील निवासी राशिद से उत्तराखंड के देहरादून में लव मैरिज की थी। 5 दिसंबर को पिंकी मुरादाबाद के कांठ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने दीपक नाम के अधिवक्ता के पास जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ लिया था। आरोप है कि बजरंग दल के लोग पिंकी और उनकी सास नसीम जहां को जबरन पकड़कर थाना कांठ ले आए थे। पिंकी ने थाने में सबके सामने कहा था कि वो 22 साल की बालिग है और उसने अपनी मर्जी से राशिद से शादी की है। बजरंग दल के लोग थाने में ही पिंकी से पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करने लगे। फिर बजरंग दल कार्यकर्ता बिजनौर पहुंचे और वहां से उसकी मां को धमकाकर उनसे उसके पति राशिद और उसके भाई सलीम के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया था। आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के पिंकी के शौहर राशिद और उसके जेठ सलीम पर केस दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया था और पिंकी को नारी निकेतन भेज दिया गया। इस दौरान पिंकी के पेट में दर्द हुआ तो उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पिंकी का आरोप है कि उसे अस्पताल में ऐसे गलत इंजेक्शन लगाए गए जिससे उसे ब्लीडिंग शुरू हुई और इसी दौरान उसका गर्भपात हो गया। मुरादाबाद के SSP प्रभाकर चौधरी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने पिंकी की मां की शिकायत पर धर्मांतरण का केस दर्ज करके पिंकी के पति और जेठ को जेल भेज दिया था और पिंकी को नारी निकेतन भेजा गया था। अब अदालत के आदेश पर पिंकी को उसके ससुराल वालों के हवाले किया गया है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।